Ananya's got a lot of shades. She's really irritating, especially to these two. She's a nagging wife. She's an aspirational woman. She's very dissatisfied with her life. Even though I'm saying it in a comical way, it's something that a lot of people will relate to. So it's basically the story of... She's got a lot of shades, so it was really fun to play her. Also, as you can see, I've worked on an accent. Biswajit Dada himself was the biggest inspiration for... These kind of films, जो थोड़ी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी बजट नहीं होती हैं, जिसमें मुझ जैसे स्टार होते हैं, उसमें आप लोगों का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है. सलमान खड़ा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. मैं सलमान नहीं हूँ, जबकि मैं भी बनियान पहनता हूँ, लेकिन मैं सलमान नहीं हूँ. और इस तरह की फिल्में हमारे देश में ज़्यादा बनती नहीं है. सो पहले तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग दिस फिल्म. थैंक यू सो मच गाइस. गॉड ब्लेस यू. तो मुझे लगता है कि मैंने जो किरदार इस फिल्म में एक्चुअली जो प्ले किया है, वो एक्चुअली बिश्वजीत बोरा है. इसने ये पूरा किरदार अपने ऊपर बेस कर रखा है. ये एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करता है. इसको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है. ये अपनी बीवी का गुलाम है. और इसको सचमुच इस बात का बहुत दुख है कि लोग नॉर्थ ईस्टर्न्स को अभी भी एक इंडियन होने का जो एक रिस्पेक्ट है वो नहीं देते. तो मेरा किरदार ही इस एक ऐसे इंसान के, मैं एक IIT IIM ग्रेजुएट हूँ फिल्म में, जो कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन जो कि अब असम से आके अब यहाँ पर बॉम्बे में सेटल कर गया है. यहाँ पर सेटल करने के बाद जो कि हर रोज़मर्रा की प्रॉब्लम वो मैं फेस करता हूँ. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी और मेरे में, हम लोग बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारे में कोई तालमेल नहीं है. देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग एट ऑल. ओके, सो हमारे में कोई, देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग, बट एट द सेम टाइम आई एम द काइंड ऑफ गाय जो होता है, जो जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो बस फूट पड़ता है. वही मेरा किरदार है कि जो पहले सुनता रहता है, जो कि मिडिल क्लास हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सहते रहते हैं और फिर एक दिन फटते हैं. वही मेरा किरदार. ये एक माइग्रेंट स्टोरी है. एक कपल है असम के जो बॉम्बे में रहते हैं, और उनकी कहानी है. उनके परिवार में एक छोटी सी बच्ची है 4 साल की, और एक घर में काम करने वाली है ये बहुत खूबसूरत लड़की जो मेरे पास में खड़ी है, किम्सलीन, अपना डेब्यू कर रही है इस पिक्चर में. पलाश सेन और मैं वो कपल हैं. इसमें टीनू आनंद जी, यशपाल शर्मा बहुत अच्छे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं. ये बहुत रियलिस्टिक किस्म की कहानी है, बहुत रिलेटेबल है. इसमें इन्वायरमेंट के बारे में भी काफ़ी कुछ, मतलब अंडरस्टेटेड वे में कहा गया है. और क्या होता है जब आप मतलब बड़े शहर में रहने आते हैं, तो आपके नज़रिए को क्या हो जाता है, आपकी ज़िंदगी को क्या हो जाता है, आप मतलब हैंडल कैसे करते हैं? मेरे लिए टोटली न्यू था, और मुझे बहुत सारे कैमरा एंगल, आप फ्रेम से लेके एक प्रॉपर एक्टिंग में कभी क्लास नहीं गया. मैंने हमेशा, मैं KC कॉलेज से ग्रेजुएट होकर एंड देन असिस्टेंट में वर्क कर रहा था, एंड देन मुझे दादा ने ये चांस दिया एक रॉन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए. इरा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो थिएटर बैकग्राउंड से आती और इन्हें एक्चुअल में पता है कि एक्टिंग क्या कहलाती है. वो मुझे बहुत बार बताती थी कि नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए, सौरभ वैसे करो, कैरेक्टर को फील करो, ऐसे नहीं कि आप ऊपर से बोल रहे हो. मेरे लिए टोटली न्यू था, और थैंक यू सो मच. पूरे टाइम वो मुझे बताते रहे कैसे एक्ट करना चाहिए. मेरे लिए टोटली न्यू था. हमारा एक बहुत अच्छा सीन है साथ में, एंड सौरभ इज डन अ फैंटास्टिक जॉब.